उस खेत में एक रेड स्नेक है, यानी बिना जहर वाला धामन सांप। ये धामन सांप जो है यहाँ पर शायद ये चिड़ियों के बच्चे खाने के लिए वहाँ पर गया है, तो हम यहाँ से उसे पकड़ लेते हैं। मैंने उसे देखा है वहाँ पर वो बैठा है। वो प्लास्टर का थोड़ा सा प्लास्टर निकाल कर हम उसे वहाँ से पकड़ लेते हैं। छरका तुम्हें आता बात चल रेड स्नेक है ना। नो नो करा 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 अख पडत नाही होते वर पडत जाऊ पडो मग आता त्याला काय करावं बसून जात आहे तो छोटा असेल बरं सर तो काढा एवढाच काढा छोटा थोडा बर त्याला हाताने फार राव दे हात वर तिकडून पार धर देऊ का
तो इसने यहाँ पे ये चिड़ियों के शायद अंडे खाए होंगे या वो बच्चे पंछी खाए होंगे, इसने खा लिया है। देखिए जंगल में छोड़ देते हैं। इसने यहाँ पे चिड़िया का बच्चा खाया है, पंछी चिड़िया खाई है यहाँ पे। बाहर निकली सर, बाहर निकली। यहाँ पे इस रैट्स ने यहाँ पे टॉयलेट कर दिए। ये सभी सांप ऐसा करते हैं, पकड़ने के बाद उन्हें छोड़ने के लिए ये ऐसा करते हैं। यहाँ पे इसकी टॉयलेट है, अभी ये धो डालते हैं और इस रैट स्नेक को भी जंगल में छोड़ देंगे। मौसी पानी ना थोड़ा सा। दोस्तों पुराने ज़माने में गांव वाले लोग ऐसा लोहे का गज बनाते थे, इसको यहाँ पे नुकीला बनाते थे और मारने के लिए इस्तेमाल करते थे सांपों के लिए। हम यहाँ पे सांप पकड़ने के लिए आए तो यहाँ लोग बोल रहे थे कि ऐसा गज लाओ और यहाँ से उसको मारो, तो हम दिखाना चाहते थे कि पुराने ज़माने में या अभी भी कुछ लोगों के पास ऐसा ये लोहे का गज होता है तो इससे लोग उसे मारते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो अभी धामुन को छोड़ देते हैं। दोस्तों अभी हम इस रैट स्नेक को, बिना जहर वाले रैट स्नेक को आजाद कर देते हैं।
खाया है, पंछी खाए है, इसलिए वो थोड़ा सा धीमे से चल रहा है।